कुरान मजीद में 5 जगह अल्लाह के हक के बाद फौरन वालदेन का हक है। वकदा रब्बो का अल्लाह ताबुदु इल्लाइया वबिल वालदेन एहसाना, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं करोगे और वालदेन के साथ नेक सलूक करोगे। अल्लाह के हुक्म के बाद, अल्लाह के हक के बाद वालदेन का हक है। सूरह लुकमान में अनिश्कुर ली वले वालदैक, शुक्र अदा करो मेरा भी और अपने वालदैन का भी। और सूरह बनी इसराइल में तो क्या तफसील आई है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा व फिर लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमत व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर तुम्हारे वालदैन में से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, उन्हें कभी उफ तक न कहना, दिल न तोड़ना उनका, छाती चौड़ी करके बात न करना उनसे, कंधे झुका कर बात करना, अदब से गुफ्तगू करना। कुल लहुमा कौलन करीमा वक्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा, अपने कंधों को झुका कर रखना और फिर भी कहना, अल्लाह से दुआ करना, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे इन वालिदैन पर रहम फरमाइयो जैसे कि इन्होंने मुझे पाला था जबकि मैं छोटा सा था। तो खानदान के निजाम को मुस्तहकम करने के लिए 3 डायमेंशंस हैं, जैसे एक कमरा है, चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है। पहले तो शौहर और बीवी के दरमियान बॉन्ड ऑफ लव। अब ये शौहर और बीवी पेरेंट्स बन गए हैं, वालिदैन बन गए, औलाद आ गई। सेकंड डायमेंशन ऐड हो गई, अदब इज्जत। और बहन भाई है अखुवत, वो जिसको कि वो कह रहा है जी वेल्स भी, फ्रेटर्निटी, खानदान का इदारा मुस्तहकम। यहां एक नुक्ता और बयान कर दूं, लीगल लेवल पर बीवी के हुकूक कम है शौहर के ज्यादा, रिजाल कवामून आला निसा, सीधी सीधी बात है और हमें डटकर कहना चाहिए, ये इससे ज्यादा माकूल बात कोई नहीं। किसी इदारे के 2 सरबराह बराबर के इख्तियार वाले नहीं हो सकते, लेकिन अखलाकी तौर पर जो मां का हिस्सा है, बाप का हिस्सा उससे 1/3 है। कुरान मजीद में आया है ना, हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली वले वालिदैक, उसे उठाए रखा उसकी मां ने अपने पेट में, कमजोरी पर कमजोरी झेल, कमजोरी तो हो रही है, उसका खून चूस रहा है अंदर, जूक जूक जो है वो चूस रही है खून उसका। और सब माओं को तो इतनी नरिशमेंट मौजूद नहीं होती कि आप प्रेगनेंसी में उसके लिए जरूरी नरिशमेंट फराहम कर दें। वाहनन अला वाहनिन, कमजोरी पर कमजोरी झेल कर भी अपने पेट में उठाए रखा। फिसाल हुफिया मैन, और फिर दूध छुड़ाना हुआ 2 सालों में, वो जूक जो है वो फिर उसकी छातियों से चिपट गई। लिहाजा उसका हक 3 गुना ज्यादा है बाप से। एक साहबी हुजूर से पूछते हैं, हुजूर मेरे हुस्न सुलूक का अवलीन मुस्ताहिक कौन है? फरमाया तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? तो कहा तुम्हारे वालिद। 3 दर्जे। और ये जो फरमाया अल जन्नत तहत अक्दामिल उम्महात, जन्नत तो माओं के कदमों तले है, ये बाप के बारे में तो नहीं फरमाया। यह है इक्वेशन, बैलेंस। इस्लाम किस्त की बात करता है, इंसाफ की बात नहीं करता। इंसाफ तो यह कि आधी रोटी इधर दे दो, आधी इधर दे दो, इंसाफ है, यह अच्छी चीज है। ये किस्त यह है कि बोझ उठाना है तो जो ज्यादा कवि है उसको ज्यादा बोझ दो उठाए, और जो कमजोर है उसे कम बोझ दो, यह किस्त है। तो इस्लाम ने औरतों पर जिम्मेदारियां कम रखी, उनके इख्तियारात कम रखे, लेकिन औलाद पर हक,
माँ का 3 दर्जे फाइबर।